हेलो गाइस, वेलकम टू डूअर क्लासेस। डूअर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश, आज आपके लिए द हिंदू एडिटोरियल लेके आया हूँ। आज की डेट है ट्यूसडे जुलाई 10, 2018। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज का एडिटोरियल का टॉपिक क्या है। तो जो टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो है द मीजर्स ऑफ टेस्ट। मतलब कहने का, मीजर के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है उपाय आपका और एक होता है मीजर आपका नापना, ठीक है, दोनों ही हैं। तो उपाय ऑफ टेस्ट मतलब कहने का, जो आपकी परीक्षाएं हैं, टेस्ट हैं, उनके क्या उपाय, उसके क्या माध्यम, क्या हो रहा है, उसकी नाप तौल कुल मिला करके उसका ब्यौरा दे रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है वो नीट और जेई की एग्ज़ाम को लेकर के है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तब आपको पता लगेगा कि आखिर मीजर का क्या मीनिंग है। मीजर का बेसिकली मीनिंग क्या है, उपाय ऑफ टेस्ट माने परीक्षा के, परीक्षा के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में, उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, तो उसकी बात यहाँ पे होनी है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अलाउिंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को अनुमति देना टू टेक जेई, मतलब कि वो जेई का एग्ज़ाम दें एंड नीट और नीट का एग्ज़ाम दें, ट्वाइस माने दो बार, अ ईयर माने साल में, एक साल में, इज़ लॉजिकल। ये क्या है, लॉजिकल है, तर्कयुक्त है। मतलब कहने का, विद्यार्थियों को दो बार अवसर देना जेई और नीट का एग्ज़ाम देने का, एक साल में दो बार अवसर देना, ये क्या है, लॉजिकल है, तर्कयुक्त है। आइए स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को। इन एन आइडियल सिस्टम, आइडियल सिस्टम होता है एक आदर्श तंत्र जिसमें सब कुछ सही ढंग से, सही सुचारू रूप से होता हो, ठीक है, इसे कहते हैं आइडियल सिस्टम। तो एक आदर्श तंत्र में एडमिशन टू हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में जो दाखिला है, उच्च शिक्षा के कोर्सेज में दाखिला, उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में दाखिला, वुड बी होगा बेस्ड ऑन, आधारित किस पर आधारित, असेसमेंट ऑफ एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड के असेसमेंट माने मूल्यांकन पर, एंड सूटेबिलिटी और उनकी रुचिता, मतलब सूटेबिलिटी उनके लिए कितना वो सूटेबल है, कितना उपयोगी है, इस आधार पर, एंड ए टेस्टिंग प्रोसेस और एक जांच करने की प्रक्रिया, दैट इज़ जो कि दैट इज़ ट्रांसपेरेंट, जो कि पारदर्शी हो, एक्सेसिबल, सभी लोग के लिए पहुंचने योग्य हो, मतलब सभी उस पर पार्टिसिपेट कर सके, एंड फेयर और साफ सुथरी हो, उस पर कोई दाग ना लगा हो, है ना, कि लीकेज हो गया पेपर, ये हो गया, टाइम से सब कुछ नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें ना हो, तो ऐसा होना चाहिए। मतलब कहने का, एक आदर्श तंत्र जिसमें उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में दाखिला लेना है, तो उसके लिए एक एप्टीट्यूड, वो किस पर आधारित होना चाहिए, एप्टीट्यूड और सूटेबिलिटी के टेस्ट पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है, हायर एजुकेशन में दाखिला, और साथ में क्या होना चाहिए, और एक टेस्टिंग प्रोसेस ऐसी होनी चाहिए उसकी, मतलब जो दाखिले के लिए एप्टीट्यूड और सूटेबिलिटी के आधार पर दाखिला होना चाहिए उच्च शिक्षा में, और ये एप्टीट्यूड का और सूटेबिलिटी का जो टेस्ट होना है, जिस आधार पर दाखिला होना है, तो ये टेस्ट कैसा होना चाहिए, यह प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होनी चाहिए, एक्सेसिबल, ऐसी होनी चाहिए कि जिस पर सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक्सेसिबल मतलब पहुँचने योग्य, तो पहुँचने योग्य कैसा होगा, मतलब कहीं किसी भी क्षेत्र का आदमी जो है, चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे वो शहरी हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे रिच हो, वो उसके लिए एक्सेसिबल हो, आसानी से उसमें पार्टिसिपेट कर सके, और फेयर हो, बिना किसी दाग धब्बे के, मतलब कहने का निष्पक्ष, साफ सुथरी होनी चाहिए, कोई कलंक ना लगा हो परीक्षा प्रणाली में, ठीक है, इस प्रकार का होना चाहिए। ये तो था इसका मीनिंग। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है यहां पे, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड एडमिशन का प्रीपोजिशन टू, ये एग्जाम में बहुत है, एडमिशन टू द इंस्टीट्यूट, तो टू प्रीपोजिशन बहुत फिक्स प्रीपोजिशन है एग्जाम में, कम से कम एसएससी में ही 2 से 3 बार आया है, और अदर एग्जाम्स में भी पूछा गया है बराबर, छोटे मोटे एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशंस का क्वेश्चन छोटे एग्जाम्स में ज़्यादा बनता है ना, और बड़े एग्जाम्स में जैसे अगर सीजीएल मेंस की बात आप करेंगे तो वहाँ पर भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वहाँ पर ये क्वेश्चन किस हिसाब से आएंगे, ये क्वेश्चन आ जाएंगे क्लोज टेस्ट वगैरह में, या फिर कोई इजी क्लोज टेस्ट उसमें आ गया, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में इस तरह से दे देगा, स्पॉटिंग एरर में भी दे सकता है ना, तो देने के लिए तो कहीं भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और बेस का प्रीपोजिशन ऑन, बेस्ड ऑन, आधारित होना, ठीक है, असेसमेंट माने मूल्यांकन। तो इंपॉर्टेंट जो चीज है आपके लिए, एडमिशन टू समथिंग, एडमिशन टू द इंस्टीट्यूट, एडमिशन टू द कॉलेज, एडमिशन टू द स्कूल, ठीक है, तो टू प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। इंडियाज पॉलिसी मेकर्स, भारत के जो नीति निर्माता हैं, हैव स्ट्रगल्ड, उन्होंने संघर्ष किया है टू क्रिएट, निर्माण करने में अ क्रेडिबल नेशनल एडमिशन एपरेटस, एक विश्वसनीय नेशनल माने राष्ट्रीय एडमिशंस माने कहने का दाखिले का एपरेटस, मतलब
पूरा एपरेटस, आप समझ रहे हैं, एपरेटस होता है मतलब तंत्र, या फिर कहने की इंस्ट्रूमेंट जिसे कहने का मतलब, जिससे कि पूरा प्रोसेस चलता है, उस एपरेटस को निर्माण करने में इन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया है। किस चीज़ के लिए? फॉर प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम्स, प्रोफेशनल डिग्री प्रदान करने वाले प्रोग्राम्स के लिए, दैट जो कि एकोमोडेट प्रदान करते हैं द डाइवर्सिटी, विभिन्नता एंड प्लुरलिटी, और प्लुरलिटी ऑफ द कंट्री, मतलब कहने का प्लुरलिटी का मतलब होता है बहुवाद होता है एक तरह से, लेकिन इसको प्लुरलिटी को आप पढ़ेंगे मेजॉरिटी, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री, देश के विभिन्न भागों को क्या, एक तो पहली बात तो विभिन्नता प्रदान करने में, और बहुलता, बहुलता मतलब ज़्यादातर लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, ये स्थान देने में जो प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम्स का हुए हैं, उन प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम्स को क्रिएट करने में हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। तो क्रेडिबल वर्ड, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में रिपीटेडली पूछा गया है, क्रेडिबल दैट कैन बी बिलीव्ड ऑन, जिस पर कि विश्वास किया जा सके, जिस पर ट्रस्ट किया जा सके, उसे हम कहते हैं क्रेडिबल, है ना, विश्वसनीय, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, प्रोग्राम की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, GRAMME, ठीक है, तो ये, और ऑपरेटस की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, APPARATUS, तो ये दोनों ही स्पेलिंग्स आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, एक स्पेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, और ऑपरेटस भी पूछा गया है, प्रोग्राम भी पूछा गया है, तो इसलिए दोनों को ही आपको इंपॉर्टेंट नज़रिए से देखना है। आगे पढ़ते हैं हम, द टू लेवल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दो स्तरीय जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी JEE का एग्जाम है, किसके लिए? फॉर द एडमिशन, एडमिशन टू टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, तकनीकी संस्थानों में एडमिशन के लिए, सच एज जैसे कि IITs में, NITs में एंड IIITs, इस तरह के तकनीकी संस्थानों में दाखिले के लिए, जो दो स्तर का ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, और क्या, एंड साथ में द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, नीट वाला एग्जाम, किसके लिए? फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज, स्नातक स्तर के जो आपके मेडिकल कोर्सेज है उनमें दाखिले के लिए, आर, ये हैं क्या, आर स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन, वो इसी क्षेत्र में कुछ, इसी दिशा में कुछ उठाए गए कुछ कदम हैं, ठीक है, प्लुरलिटी डाइवर्सिटी को देश को मेंटेन करने के लिए, और साथ में कहने का जो स्ट्रगल हमारे पॉलिसी मेकर्स ने किया है उन्हीं के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है ये कि द टू लेवल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE हो गया, ठीक है, ये एक नाउन हो गया, ये पूरा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक नाउन हो गया, फिर लेवल, लेवल अपने में एक नाउन है, और टू क्या है, कॉर्डिनल एडजेक्टिव। मैंने आपको पहले भी रूल्स बताए हैं, अब काफ़ी गैप हो गया, तो अगर आपको मिस हो गया मैं फिर बता देता हूँ, अगर कॉर्डिनल एडजेक्टिव के बाद लगातार दो नाउन आते हैं तो पहला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, तो टू आया है तो टू लेवल्स होना चाहिए ना, लेकिन टू लेवल्स क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव के बाद पहले नाउन के बाद दूसरा नाउन फिर बैठा है, लेवल, टू लेवल JEE, मतलब कहने का दो स्तरीय JEE का एग्जाम, ठीक है, तो JEE एक नाउन हो गया आपका, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये पूरा नाउन हो गया आपका, है ना, इसमें भी नाउन, अगर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बात करें तो सिर्फ एग्जामिनेशन नाउन है, लेकिन इस पूरे को आप नाउन ट्रीट करोगे क्योंकि एडजेक्टिव भी इसी के पार्ट्स हैं, ठीक है, तो ये पूरा नाउन हो गया, और पहला नाउन ये है, दूसरा नाउन है, तो दूसरे नाउन की हम बात नहीं करते, लेकिन पहला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए लेवल में एस नहीं लगा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि यहाँ पर आर आया है, और आर में द टू लेवल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट सच एज, नाम इन्होंने दे दिया, अब एंड से फिर जुड़ा है, मतलब टू लेवल एग्जामिनेशन JEE वाला एग्जामिनेशन हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, नीट का एग्जामिनेशन होगा, किसके लिए, फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के लिए, तो पहला हो गया JEE, दूसरा हो गया नीट, और एंड से जुड़े हैं, इसलिए यहाँ पे आर आया है। अगर आप ये सिर्फ कह दें कि पहले प्रीपोजिशन के पहले वाला जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, भाई ये तो सिंगुलर है, तो आप यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेनी चाहिए, नहीं, क्यों, क्योंकि एंड से दो दो नाउन तो जुड़े हैं ना, जब दो दो नाउन जुड़ेंगे तो आप वो रूल कहाँ से लगा सकते हो, एक ही नाउन हो और वही उसी में केवल प्रीपोजिशन से कई सारी चीज़ जुड़ी हो तब बात अलग होती है, लेकिन अगर एंड से जुड़ गया तो फिर सेम चीज़ें आपको देखो, यहाँ पे देख रहे हो JEE और यहाँ पर है नीट, दोनों ही सेम इंस्टीट्यूट, दोनों ही सेम कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं, इसलिए दोनों सिमिलर हैं, तो दो नाउन को एंड से जोड़ा है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं, मतलब अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज आर स्टेप्स इन डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कुछ कदम हैं, ऑल्दो यद्यपि मच वर्क रिमेन्स टू बी डन,
काफ़ी ज़्यादा वर्क जो है रिमेन्स बचा हुआ है टू बी डन किए जाने के लिए, टू मेक देम एक्सेसिबल, यहाँ इनको पहुँचने योग्य बनाने के लिए। मतलब कहने का, यद्यपि काफ़ी काम अभी भी किया जाना है ताकि इन पर पहुँच हो सके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर पार्टिसिपेट कर सके, स्पेशली विशेषकर फॉर रूरल स्टूडेंट्स, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के, लड़कों के लिए या विद्यार्थियों के लिए, हु सफर फ्रॉम, जो कि कष्ट झेलते हैं फ्रॉम वेरियस हैंडीकैप्स। हैंडीकैप मतलब विकलांगिता से नहीं, हैंडीकैप का एक मीनिंग होता है ऑब्स्टिकल, बाधाएं से, जो कि कई बाधाओं को भी झेलते हैं, सफर फ्रॉम वेरियस ऑब्स्टिकल्स, हैंडीकैप का एक मीनिंग ऑब्स्टिकल होता है। आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोल करके देख सकते हैं, जो वर्ड मीनिंग्स हमें लास्ट में बतानी है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी हैं, आप वहां से भी पढ़ते जा सकते हैं साथ साथ, और लास्ट में हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। हमने जो लिखा है वो शॉर्ट में लिखा रहता है तो उसको एक्सप्लेन करना जरूरी होता है, ठीक है। जो मीनिंग था आपका स्पेशली फ्रॉम फॉर रूरल स्टूडेंट्स, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए, हु सफर फ्रॉम वेरियस हैंडीकैप्स, हैंडीकैप्स का मीनिंग ऑब्स्टेकल, मतलब जो विभिन्न प्रकार की बाधाओं से, बाधाओं को झेलते हैं उनके लिए, ठीक है। तो सफर का प्रीपोजिशन फ्रॉम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टूडेंट्स क्या है, व्यक्ति के लिए आया है, तो उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन इन्होंने कौन सा, हु डाला, विच नहीं डाला, नहीं तो ये एरर का पार्ट बन जाता, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए विच नहीं आ सकता, हु ही आएगा। दूसरा हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले आने वाला एंटीसीडेंट ही वर्ब को डिसाइड करता है। स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ आने वाला जो नेक्स्ट टेंस होगा वो क्या होगा, प्लूरल वर्ब के साथ होगा। तो सफर चूंकि प्रेजेंट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस आगे हो रहा है, इसका मतलब एस ई एस लगना चाहिए था अगर सिंगुलर होता, लेकिन प्लूरल है तो एस ई एस नहीं लगा। तो इतने सारे ग्रामर पॉइंट्स आप देख, सफर का प्रीपोजिशन, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, तो हु किस लिए आया है, स्टूडेंट्स के लिए आया है, विच नहीं आ सकता, और तीसरी बात जो यहाँ पे आपने सीखी, स्टूडेंट्स के साथ चूंकि प्लूरल है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला जो एंटीसीडेंट होता है वही आगे आने वाली वर्ब को डिसाइड करता है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाली, तो हु के पहले स्टूडेंट्स प्लूरल है तो इसलिए यहां पे प्लूरल वर्ब आई, एस ई एस नहीं लगा है। तो आई आपको बात समझ में, आगे पढ़ते हैं। मतलब विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए जो कि विभिन्न बाधाओं का सामना करते हैं, नॉट द लीस्ट, देखिए नॉट भी आया है और लीस्ट भी नहीं आया, लीस्ट भी आया है, तो मतलब पहले तो कम है और फिर नहीं, कम नहीं होना मतलब ज़्यादा होना, इस सेंस में आप पढ़ेंगे, तो ज़्यादा है, ऑफ विच जिनमें से इज ए शेकी स्कूल एजुकेशन सिस्टम, शेकी माने अनसर्टेन, अनिश्चित, जो जिनका कोई स्थायित्व तो ना हो, ठीक है, शेकी मतलब अनसर्टेन स्कूल एजुकेशन सिस्टम, अस्थायी जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसमें से बहुत से ज़्यादा लोग, मतलब कहने का ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी जो ज़्यादातर कैसे शेकी स्कूल एजुकेशन सिस्टम से हैं, ठीक है ना, तो नॉट द लीस्ट ऑफ विच, मतलब कहने का मोस्ट ऑफ विच इज अ शेकी स्कूल एजुकेशन सिस्टम, ज़्यादातर वहाँ में से उनमें से कौन कहाँ से हैं, वो बाधाएं मतलब कहने का स्कूल एजुकेशन सिस्टम से, वो भी शेकी अनसर्टेन, ठीक है। तो ये आपका मीनिंग हो गया, आगे हम पढ़ते हैं इसे, व्यूड अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड, बैकग्राउंड माने होता है पृष्ठभूमि, अगर इस पूरी पृष्ठभूमि के विपरीत हम देखें तो द डिसीजन ऑफ द सेंटर, केंद्र का निर्णय टू फॉर्म एन एजुकेशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कौन सा निर्णय, टू फॉर्म निर्माण करने का अ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, मतलब एक राष्ट्रीय स्तर की टेस्टिंग एजेंसी का निर्माण करने का, किस लिए, टू कंडक्ट आयोजित कराने के लिए दीज एंड सम अदर एग्जामिनेशन, इन दीज माने ये ऊपर दिए हुए एग्जामिनेशन, एंड सम अदर एग्जामिनेशन और अन्य कुछ परीक्षाओं को, इज अ प्रोग्रेसिव मूव, ये एक बहुत ही शानदार उन्नतिशील पहल है, ठीक है, मूव माने पहल भी होता है, ठीक है। तो मतलब कहने का जो निर्णय है केंद्र सरकार का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को फॉर्म करने का, जिससे और इसका उद्देश्य क्या होगा, ताकि वो कुछ ये वाले एग्जाम्स और बाकी अन्य एग्जाम्स को कंडक्ट करा सके, तो ये पहल क्या है, प्रोग्रेसिव है। अब आप बताइए इज किसके लिए आया, मैं आपको बताऊं, इज पहले नाउन, देखिए एंड से तो कहीं जुड़ा है नहीं, इज और पहला नाउन कॉमा के बाद द डिसीजन, इसके बीच में कहीं एंड दिख रहा है आपको, नहीं, यहां पे आपको दिख रहा है कंडक्ट दीज एजेंसी एंड सम अदर एग्जामिनेशन, तो मतलब कहने का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी टू कंडक्ट दीज, तो दीज के लिए एंड आया, तो मतलब ये कहने का कि यहाँ एक वर्ब इन दोनों के लिए डिसाइड हो रही है, समझ रहे हैं, लेकिन ये डिसीजन के साथ एंड नहीं आया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। द डिसीजन कौन सा निर्णय, निर्णय ऑफ सेंटर, केंद्र का निर्णय, केंद्र का कैसा निर्णय, ताकि वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को फॉर्म करे, और किस लिए फॉर्म करे, टू कंडक्ट दीज नेशनल दीज एंड, ये आयोजित कराने के लिए क्या क्या, ये
और साथ साथ कुछ अन्य एग्जाम इनको कंडक्ट कराने के लिए जो नेशनल एजेंसी फॉर्म की गई है केंद्र के द्वारा, केंद्र का यह निर्णय जो है इज ए प्रोग्रेसिव में एक बहुत ही शानदार पहल है। तो ये जो डिसीजन होगा ना, ये एक शानदार पहल, तो शानदार पहल है क्या, डिसीजन है। डिसीजन किसका, केंद्र का, फिर बाकी एडवर्ब से सारा पूरा जोड़ के रख दिया है, ठीक है। मतलब कहने का कि इस किसके लिए है, डिसीजन के लिए है। और यही मैंने आपको बताया कि पहले प्रीपोजिशन के जो जब प्रीपोजिशन से कई चीजें जुड़ी हुई हो तो वहां पर और सभी एक दूसरे की विशेषता बता रही हूं, तो पहले नाउन के बाद वाला जो प्रीपोजिशन होता है, तो मतलब पहले प्रीपोजिशन के पहले, इसके पहले जो नाउन होता है तो वही आपकी वर्ब को डिसाइड करता है। तो डिसीजन इज अ प्रोग्रेसिव मूव, आप ऐसे भी पता लगा सकते हो प्रोग्रेसिव मूव है क्या, तो आपको पता लग जाएगा डिसीजन प्रोग्रेसिव मूव है, ठीक है। तो ऐसे आपने डिसाइड कर लिया। अ प्रोफेशनल एजेंसी, प्रोफेशनल एजेंसी का मतलब हो गया आपका जो व्यावसायिक उद्देश्य जो एजेंसी बनाई जाती है ना, तो प्रोफेशनल एजेंसीज वुड लुक, वो देखेंगी एट नथिंग अदर देन सुटेबिलिटी। मतलब कहने की सुटेबिलिटी जितना कितना सुटेबल है परीक्षा प्रणाली, सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट मतलब विद्यार्थियों की सुटेबल, विद्यार्थियों की सहजता उनके लिए कितना बेनिफिशियल, कितना सुटेबल है एग्जामिनेशन प्रोसेस, इसको ही देखेंगी। नथिंग अदर देन, इसके अलावा और उन्हें कुछ नहीं दिखेगा। टू परस्यू अ पार्टिकुलर प्रोग्राम, किसी भी विशेष प्रोग्राम को परस्यू करने के लिए, पूरा करने के लिए। मतलब कोई भी प्रोफेशनल एजेंसी अगर कोई प्रोसेस तैयार करती है तो उसकी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि कैंडिडेट्स के लिए वो प्रोसेस कितना सुटेबल है ना, तभी वो उस प्रोग्राम को डेवलप करेगी और उसी हिसाब से बनाएगी, बाकी उसे और किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। अब हम इस लाइन को नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। ऑफ कोर्स, वास्तव में, देयर विल बी दोज, देयर विल बी दोज दैट कंटेंड, मतलब कहने का यहाँ पर वो लोग भी होंगे दैट कंटेंड, जो कि मानते हैं दैट कंटेंट। अभी दैट आपने सोचा और फिर यहाँ पे कंटेंट आया है ना, मैं बता दूँ दैट क्या है आपका, दैट आपका यह है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन आया तो रिलेटिव प्रोनाउन का कितने होते हैं, हु, हुम, विच, दैट, एज, ठीक है, तो इतने ही होते हैं। तो आपका मतलब अब ये दैट जब रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसके पहले वाला एंटीसीडेंट कौन सा हो गया, दोज, तो दोज के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, कंटेंट में आएगी, तो दोज क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर एस या ईएस नहीं लगा है। देयर विल बी दोज, यहाँ पर वो लोग भी होंगे दैट कंटेंट, या फिर आप कह सकते हो जब अगर दोज आपको फिक्स हो गया कि हाँ मतलब किसी वस्तु के लिए नहीं है, स्थान के लिए, मतलब कहना किसी व्यक्ति के लिए है, पक्का यही पता है कि किसी व्यक्ति के लिए है, तो आप यहाँ दैट की जगह हु भी कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर विल बी दोज यहाँ पर, लेकिन दैट तो आपका व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए आता, तो ये हर जगह टॉलरेबल है, ठीक है। दैट विल बी, देयर विल बी दोज, यहां पर वो लोग भी होंगे दैट कंटेंट, जो ये मानते हैं, जो ये कहते हैं दैट कि बेटर रन स्टेट्स, जो अच्छे से संचालित होने वाले राज्य हैं, जिनकी स्थिति सही है, कुड हैव देयर ओन एजेंसी, उनकी खुद की एजेंसी होनी चाहिए थी, परफॉर्म दैट सेम टास्क, इसकी कार्य, इसी कार्य को करने के लिए, बट लेकिन द एक्सपर्टाइज ऑफ अ नेशनल एजेंसी, एक राष्ट्रीय एजेंसी की जो कुशलता है इज प्रेफरेबल, उसका उसको अलग ही प्रेफरेंस दिया जाता है, उसको अलग ही, उसकी खुद की अलग ही वरीयता है। मतलब कहने का जो बेटर रन स्टेट्स हैं उनकी खुद की एजेंसी हो सकती है, लेकिन जो नेशनल एजेंसी होती है एग्जाम कंडक्ट कराने की, उसका प्रेफरेंस समथिंग डिफरेंट ही होता है, ठीक है ना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एप्टीट्यूड टेस्टिंग, एप्टीट्यूड टेस्ट लेने का जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव माने उद्देश्य, इन अ पॉपुलस कंट्री, इतनी ज़्यादा जनसंख्या वाले देश में शुड बी, क्या होना चाहिए, टू इनेबल मोबिलिटी, गतियता मतलब गतित्व को, मोबिलिटी मतलब एक स्थान से दूसरे जगह, मोबिलिटी गति की भाव, मतलब कहने का मूवमेंट प्रोसेस, इसको क्या करना, सक्षम बनाना, एंड एक्सेस टू कोर्सेज, और कोर्सों जो पाठ्यक्रम है उन तक पहुँच को सक्षम बनाना, ऑफर्ड इन एनी स्टेट, जो किसी भी राज्य में ऑफर की जाती हैं। मतलब कहने का एप्टीट्यूड टेस्ट का जो इस इतने बड़े देश में एप्टीट्यूड टेस्ट लेने का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो यही होना चाहिए कि सक्षम हो जाएं लोग किसी भी पाठ्यक्रम को चूज करने में किसी भी राज्य से, ठीक है। पीयर रिव्यूड स्टैंडर्ड, पीयर रिव्यूड, पीयर का मतलब होता है एक स्तर में, समान स्तर की रिव्यूड मतलब की गई समीक्षा के स्टैंडर्ड्स माने मानक, एक समान स्तर की जो समीक्षा करके जो मानक स्थापित किए गए हैं, एंड और कब्स माने कहने का कि रोक ऑन कमर्शियलाइजेशन मतलब उद्योगीकरण पर, मतलब कहने का इंस्टीट्यूशंस और इन सब का केवल उद्योग के लिए, कमर्शियलाइजेशन के लिए इन सब पर रोक, ये दोनों ही चीज़ें क्या कर सकती हैं, कैन हेल्प मतलब सहायता कर सकती हैं एक्सपेंड हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा को विस्तार देने में। मतलब कहने का कौन कौन सी चीज़, पीयर रिव्यूड स्टैंडर्ड मतलब समान स्तर के कई लोगों के द्वारा उसकी एक मानक के आधार पर समीक्षा की जाना कि कितना वो सही है कि नहीं इंस्टीट्यूट, और दूसरा कर्म ऑन कमर्शियलाइजेशन, जो धंधा बना रखे हैं कई कॉलेज कि कमर्शियलाइजेशन के उद्देश्य कि इतने हज़ार दे के ये डिग्री
डिग्री मिल जाएगी, डीएलएड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें इन पर अगर रोक लगती है तो कैन हेल्प, ये तो क्या कर सकते, सहायता कर सकते हैं एक्सपेंड हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने में, ठीक है। इन केस ऑफ मेडिकल कोर्सेज, मेडिकल कोर्सेज के मामले में अ कॉमन टेस्ट, एक कॉमन टेस्ट जो है सच है, जैसे कि नीट जैसा कॉमन टेस्ट, शुड मेक इट पॉसिबल, उसे ये संभव बनाना चाहिए टू अटेंड एनी ऑफ अबाउट 350 मेडिकल कॉलेज, 350 मेडिकल कॉलेज में से किसी पे भी दाखिला लिया जा सके। मतलब एक कॉमन टेस्ट जैसे नीट हो गया, इसके द्वारा कम से कम ये संभव होना चाहिए कि 350 मेडिकल कॉलेज में कहीं पर भी दाखिला लिया जा सके, अटेंड किया जा सके उन्हें, और विच जिनमें से 175 आर रन बाय प्राइवेट एंटिटीज, 175 जो हैं वो प्राइवेट मतलब कहने का निजी संस्थानों, निजी लोगों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, निजी रूप से चलाए जा रहे हैं, 350 मेडिकल कॉलेज जिसमें कि 175 कितने हैं प्राइवेट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, ठीक है। द आइडिया ऑफ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, मतलब कहने का विचार ऑफ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, मतलब बहुत मात्रा में या फिर एक से अधिक मात्रा में अवसर प्रदान करने का, एक से अधिक अवसर प्रदान करने का जो विचार है, टू टेक टेस्ट, मतलब कहने का टेस्ट देने का, इज अस इन अ सिंगल ईयर, मतलब एक साल में मतलब परीक्षा देने का जो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही, इस प्रकार का विचार। अब इनके विचार के बारे में इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कॉमा से, विच द सेंटर हैज़ नाउ अडॉप्टेड, जिसे कि सेंटर ने अब स्वीकार कर लिया है फॉर जेई मेन्स एंड नीट, जेई मेन्स के लिए और नीट, इन दोनों के मामलों में जिसको केंद्र ने स्वीकार कर लिया है, इस प्रकार का मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देने वाला जो एग्ज़ाम है, मतलब कहने का इज रियली न्यू, ये वास्तव में क्या है, नया है, ठीक है। तो इज किसके लिए आया, इज आया पहला नाउन आइडिया के लिए, ये आइडिया वास्तव में नया है, आइडिया कैसा, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी प्रदान करने वाला, किसके लिए, टू टेक टेस्ट, जिसे कि टेस्ट जा सके इन अ सिंगल ईयर, एक ही साल के अंतर्गत, एक साल के अंतर्गत मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिलने का जो विचार है, जिसे केंद्र ने वास्तव में जेई और नीट के लिए स्वीकार कर लिया है, ये क्या है, इज रियली न्यू, ये वास्तव में नया है, एंड इज फैमिलियर, और ये परिचित है टू स्टूडेंट्स, उन विद्यार्थियों, मतलब वो विद्यार्थी इससे जागरूक हैं, परिचित हैं, एंटरिंग यूनिवर्सिटीज अब्रॉड, जो कि विदेश की यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेते हैं, क्योंकि वहां पर मोर एक ईयर में एक साल में ज्यादा चांसेस मिलते होंगे, इसीलिए कह रहे हैं कि जो विदेश की यूनिवर्सिटीज में जो दाखिला लेते हैं वो इससे वेल फैमिलियर हैं, पर्टिकुलरली विशेषकर से कहां पर, दोज वो लोग इन द यूनाइटेड, जो कि यूनाइटेड स्टेट में दाखिला लेते हैं, मतलब वहां पर तो मोर देन वन चांस मिलता ही है ना, मतलब कहने का मोर देन टू चांसेस ऐसे या टू चांसेस वन ईयर में यूनाइटेड स्टेट्स में मिलते होंगे, इसीलिए उन्होंने कहा कि पर्टिकुलरली दोज इन यूनाइटेड स्टेट, खास करके वो जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के लिए आया है दोज, ठीक है, खास करके वो लोग जो कि स्टूडेंट्स में, मतलब कहने का यूनाइटेड स्टेट में दाखिला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेक अ टेस्ट, टेस्ट को देने के लिए, तो गिव अ टेस्ट नहीं होता, टेक अ टेस्ट होता है, मैंने पहले भी बताया था, काफ़ी दिन हो गया तो आपको आज फिर से याद दिला दूँ कि टेक अ टेस्ट होता है, गिव अ टेस्ट नहीं होता है ना, द स्टूडेंट इज गोइंग टू टेक अ टेस्ट, ये इसका मतलब कहने का ये नहीं कि गिव अ टेस्ट होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना। इनफैक्ट अब इसको हम आगे पढ़ते हैं, इनफैक्ट वास्तव में द अशोक मिश्रा कमिटी, जो अशोक मिश्रा कमिटी है, अब अशोक मिश्रा कमिटी के बारे में इन्होंने लिखा है, सेटअप बाय द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जो कि स्थापित, सेटअप माने स्थापित की गई है बाय HRD मिनिस्ट्री, मतलब कहने का ह्यूमन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो स्थापित की गई है, ठीक है। तो जो अशोक मिश्रा कमिटी जो कि आपकी HRD मिनिस्ट्री के द्वारा स्थापित की गई है, किस लिए, टू रिव्यू द JEE 3 ईयर्स, मतलब टू रिव्यू मतलब समीक्षा करने के लिए, द JEE मतलब JEE एग्जामिनेशन की समीक्षा करने के लिए, कब, 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले, मतलब कहने का 3 साल पहले JEE जैसे एग्जाम की समीक्षा करने के लिए HRD मिनिस्ट्री के द्वारा जो अशोक मिश्रा कमेटी स्थापित की गई है, ये अशोक मिश्रा कमेटी रिकमेंडेड, इस अशोक मिश्रा कमेटी ने रिकमेंड सिफारिश की है दैट की एन ऑनलाइन एप्टीट्यूड, कि एक ऑनलाइन का जो एप्टीट्यूड टेस्ट है बी ऑफर्ड, जब भी बी आता है ना तो वहाँ पे आप शुड लगा के पढ़ा गया, क्योंकि शुड वहाँ साइलेंट रहता है, ठीक है। उन्होंने क्या सिफारिश की है कि ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट जो है शुड बी ऑफर्ड, उसे प्रदान किया जाना चाहिए 2 और मोर टाइम्स अ ईयर, 1 साल में 2 या 2 से अधिक बार, ठीक है। ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट 1 साल में 2 से अधिक बार या 2 बार कम से कम अवसर दिया जाना चाहिए, ठीक है। और अशोक मिश्रा कमेटी के लिए मैंने आपको बताया रिकमेंडेड वर्ब है, अशोक मिश्रा कमेटी रिकमेंडेड, उन्होंने सिफारिश की है। अब अशोक मिश्रा कमेटी कैसी, तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन डाली थी जो कि स्थापित की गई है HRD मिनिस्ट्री के द्वारा, किस लिए, ताकि वो JEE एग्जाम की समीक्षा कर सके, कब, 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले, ठीक है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन इन्होंने सब्जेक्ट से जोड़ दी, अब उसके बाद सिर्फ हेल्पिंग वर्ब डाली है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, द मूव, ये पहल, कौन सी पहल, टू मेक बोथ JEE एंड द
नीट अवेलेबल, मतलब कहने का बोथ, बोथ के बाद एंड से जुड़ा कि नहीं, पहला नाउन जेई दूसरा नाउन नीट और दोनों को बोथ के बाद एंड लगाया ना कि और लगाया। बोथ एंड होता है, आइदर और होता है, नाइदर नॉर होता है। तो कपलिंग कंजक्शन फिक्स होते हैं, तो आइदर है तो और लगाओगे, बोथ है तो एंड लगाओगे, नाइदर है तो नॉर लगाओगे, और कुछ नहीं लगाओगे कि बोथ के साथ और लगा दिया, आइदर के साथ एंड लगा दिया, तो गलत हो जाएगा ना, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। बोथ टू मेक जेई एंड नीट अवेलेबल ट्वाइस अ ईयर, साल में दो बार, साल में दो बार दोनों, कौन कौन से, जेई और नीट दोनों को ही उपलब्ध कराने के लिए कि जो ये मूव पहल है इज कंसिस्टेंट, इज सिमिलर टू, इज एग्रीमेंट इन, इज इन एग्रीमेंट विद दैट एडवाइस, उस सलाह के, मतलब कहने का सिमिलर है, एग्रीमेंट समझौते में है। अब मैं आपको पूरा मीनिंग बताता हूँ, कंसिस्टेंट विथ होता है इन एग्रीमेंट विथ समथिंग, किस चीज़ के मतलब पक्ष में है, उसी के अनुरूप है, किसके, दैट एडवाइस, एडवाइस माने सलाह, सलाह कौन सी, जो अशोक मिश्रा कमेटी ने दी थी, अशोक मिश्रा कमेटी की जो सिफारिश की गई थी उसी के पक्ष में है। कौन सी पहल, क्या चीज़ पक्ष में है, ये पहल, पहल कौन सी, जो जेई और नीट के एग्ज़ाम को साल में दो बार कंडक्ट कराने का जो ये पहल शुरू की है गवर्नमेंट ने, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिया है, ये किसके अनुरूप है, ये एग्रीमेंट में है, उस सलाह के जो कि अशोक मिश्रा कमेटी ने दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आपके लिए चीज़ थी वो कंसिस्टेंट विद, मतलब इन एग्रीमेंट विद, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के देख सकते हो, उसका मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एडवाइस के बारे में बता दूँ, एडवाइस सीई होता है तो नाउन होता है, एसई होता है तो वर्ब होता है, तो जब वर्ब के यहाँ पे दैट एडवाइस, ठीक है, तो यहाँ जब आप नाउन के रूप में आप यहाँ यूज़ कर रहे हो तो एडवाइस आप लोगे सीई वाला, और वर्ब के रूप में लोगे तो एसई लगाओगे, तो दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना, एग्जाम में बराबर क्वेश्चन बनता है इस सब चीज़ से। हाउ एवर, फिर भी, अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एक कंप्यूटर आधारित टेस्ट जैसे CBT कहते हैं हम लोग, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, शुड नॉट टर्न इनटू मतलब चेंज इनटू अ बैरियर, एक बाधा, फॉर स्टूडेंट्स, उन विद्यार्थियों के लिए फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, जो कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, क्यों, लेकिन फिर भी एक कंप्यूटर आधारित जो टेस्ट है उसको किसी भी प्रकार से नॉट टर्न इनटू, बाधा में नहीं तब्दील होना चाहिए, किन के लिए, फॉर स्टूडेंट्स, उन विद्यार्थियों के लिए फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। एंड साथ में इम्पोज एडिशनल एक्सपेंडिचर, और नहीं लादना चाहिए एडिशनल एक्सपेंडिचर, अधिक खर्च ऑन कैंडिडेट्स, विद्यार्थियों के लिए फॉर प्रिपरेशन, मतलब उनकी तैयारी के लिए, ट्रेवल टू टेस्टिंग सेंटर, टेस्टिंग सेंटर में जाने के लिए, एंड सो ऑन, और इसी प्रकार की अन्य चीज़ों के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताने वाला हूँ वो ये है, एंड से जुड़ा, एंड से सीधा इम्पोज जुड़ा ना वर्ब, तो आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे ये आपका तब डिसाइड होगा, आप एंड के पहले देख लीजिए वर्ब कौन सी फॉर्म की थी। शुड नॉट टर्न इनटू, एक वर्ब यही है ना, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को नहीं तब्दील होना चाहिए विद्यार्थियों के, मतलब ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के लिए एक बाधा में, है ना, और इम्पोज, और ना ही लादना चाहिए एडिशनल एक्सपेंडिचर। तो इम्पोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए है क्योंकि शुड के बाद भी टर्न, तो आप शुड नॉट के बाद टर्न लिख पढ़ा है ना, तो शुड नॉट के बाद इम्पोज पढ़ लीजिए, बहुत सटीक मीनिंग निकलेगा। देखिए कैसे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को नहीं तब्दील होना चाहिए बाधा के रूप में, किन के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए, एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शुड नॉट इम्पोज एडिशनल एक्सपेंडिचर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को नहीं लादना चाहिए एडिशनल एक्सपेंडिचर, और अधिक खर्च ऑन कैंडिडेट्स, विद्यार्थियों पर, किसके लिए, फॉर प्रिपरेशन, तैयारी के लिए, फॉर ट्रैवल टू अ टेस्टिंग सेंटर, ट्रैवल टेस्टिंग सेंटर में यात्रा के लिए, एंड सो ऑन, और इसी प्रकार के लिए। तो अब आ गया समझ में, एक्सपेंडिचर ऑन समथिंग, प्रीपोजिशन ऑन फिक्स है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने, आपको यहाँ पे नोटिस करना है। आगे पढ़ते हैं, द रिजर्वेशन अबाउट ऑनलाइन टेस्टिंग ऑन सच ग्राउंड्स, मतलब कहने का रिजर्वेशन मतलब आरक्षण, अबाउट ऑनलाइन टेस्टिंग, ऑनलाइन टेस्टिंग प्रक्रिया पर, ऑन सच ग्राउंड, इस आधार पर, शुड बी, इसको शुड बी ओवरकम, इसे कम किया जा, कंट्रोल किया जाना चाहिए विथ गुड प्लानिंग, एक अच्छी योजना के तहत, एंड एलोकेशन, और आवंटन के साथ, ऑफ सफिशियंट फंड्स, मतलब कहने का पर्याप्त फंड, पर्याप्त रूप में धन के आवंटन, और अच्छी योजना के, अच्छी रूप से योजनाओं को बना करके, इस आधार पर जो रिजर्वेशन है ऑनलाइन टेस्टिंग में, इसको कम किया जाना चाहिए, ओवरकम करना चाहिए। ओवरकम मतलब होता है कंट्रोल कर देना, स्थिति को काबू में करना, ठीक है। इक्वली इंपॉर्टेंट इज द इशू ऑफ रेगुलेशन, इसको हम नेक्स्ट पेज में पढ़ लेते हैं। इक्वली इंपॉर्टेंट इज द इशू, उतना ही महत्वपूर्ण है इज द इशू, वह मुद्दा, ऑफ रेगुलेशन माने नियंत्रण का, ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट का, मतलब ये तो इन्होंने बताया ही, लेकिन इन्होंने ये साथ में ये भी कहा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को नियंत्रित करने वाला जो मुद्दा है ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
अब इन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में इन्होंने हाइफन लगा करके कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। आ सेक्टर एक ऐसा क्षेत्र वर्थ अबाउट 24,000 करोड़ अ ईयर, जो कि साल में 24,000 करोड़ का लगभग लेन देन की कीमत रखता है। इतना बड़ा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का सेंटर मतलब कहने का रेगुलेशन है, मुद्दा है, इसको भी बड़ा रेगुलेट करने की आवश्यकता है अकॉर्डिंग टू द अशोक मिश्रा पैनल, अशोक मिश्रा के पैनल के द्वारा ऐसा बताया गया है। इन ऑर्डर टू, ताकि इन ऑर्डर टू इंश्योर, ताकि सुनिश्चित किया जा सके दैट कि द चेंजेस डू नॉट रिजल्ट इन, जो परिवर्तन हैं डू नॉट रिजल्ट इन, अब वो नहीं तब्दील होंगे इन फर्दर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कहने का और अधिक शोषण में ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब विद्यार्थियों का, मतलब कहने का जो चेंजेस किए जाएंगे अब उनसे विद्यार्थियों का और शोषण नहीं होगा, उनके पहले के ट्रैवल को मद्देनजर रखते हुए, साथ साथ उनकी एक्सेस हो पा रही है एग्जाम में रूरल एरिया के स्टूडेंट्स की कि नहीं हो पा रही, इसको मद्देनजर रखते हुए ये इस प्रकार से नियम और कानून बनाए जाएंगे ताकि और ज्यादा शोषण ना हो पाए विद्यार्थियों, क्योंकि आप जान रहे हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरह कितना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, इतना ज्यादा पैसा वसूला जाता है। अल्टीमेटली, अंतिम रूप से, एनी प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म, एनी प्रोसेस, कोई भी प्रक्रिया ऑफ रिफॉर्म माने सुधार की कोई भी प्रक्रिया एट द लेवल ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मतलब कहने का प्रवेश परीक्षा के स्तर पे, कैन बी मीनिंगफुल, वो केवल तभी अर्थयुक्त हो सकती है ओनली इफ, केवल और केवल यदि द स्कूल एजुकेशन सिस्टम, जो हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम है इज रिवैम्प्ड, उस पर सुधार किया जाए एंड लर्निंग आउटकम, और जो सीखने के रिजल्ट्स हैं आर इम्प्रूव्ड, वो सुधारे जाएँ। अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जाए और लर्निंग के जो आउटकम्स हैं, रिजल्ट्स आते हैं, उनमें सुधार किया जाए, तभी एंट्रेंस लेवल का, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो लेवल है उसकी प्रक्रिया में सुधार महत्वयुक्त होगा, मतलब मीनिंगफुल होगा। ठीक है, तो ये था इसका मीनिंग। आपने देखा कि नीट और जेई को दो बार करवाने की मतलब प्रोसेस चल रही है साल में दो बार, ठीक है, और दो या दो से अधिक बार के लिए। और किसने सिफारिश की? अशोक मिश्रा पैनल ने सिफारिश की। किसके द्वारा ये गठित किया गया? एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा गठित किया गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, अब आपके एसएससी के एग्जाम में या फिर और किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में यही पूछ लिया कि नीट और जेई का एग्जाम को दो साल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी गठित की है जिसके अकॉर्डिंग दो बार एग्जाम होगा साल में, उस कमेटी का नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? अशोक मिश्रा पैनल। किसके द्वारा गठित की गई है? एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा गठित की गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। अब हम देखते हैं कि वर्ड बेसिस, जो हमारे वोकैबुलरी या फिर ग्रामर पॉइंट्स में से कौन से वर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो पहला था, मैंने आपको पहले ही हिंट किया था, एडमिशन टू समथिंग, टू प्रीपोजिशन, एडमिशन टू द इंस्टीट्यूट, एडमिशन टू द कॉलेज, तो ये टू प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट माने होता है मूल्यांकन, ठीक है, किसी का आकलन करना, तौलना या मापना कितना पानी है उसके अंदर, मतलब पानी मतलब कहने का कितना नॉलेज है ना। क्रेडिबल माने होता है दैट कैन बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। एपरेटस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, APPARATUS, इंपॉर्टेंट स्पेलिंग। एकोमोडेट, इसकी स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, इसकी मीनिंग भी इंपॉर्टेंट है, COOMO, ठीक है। और डेट, एकोमोडेट, एकोमोडेट के दो मीनिंग होते हैं। पहला होता है जो टू हेल्प समबडी बाय डूइंग समथिंग दे वांट, कोई व्यक्ति कुछ चाहता है वैसा उसे प्रदान करके या वैसा करके उसकी सहायता करना है ना, सहायता देना। दूसरा था टू प्रोवाइड समबडी विथ अ रूम और प्लेस टू स्लीप, सिट, लीव और सिट, सोने, रहने और बैठने के लिए किसी को स्थान देना। एकोमोडेट मतलब होता है निवास स्थान देना, जगह देना, है ना, शरण देना टाइप में, लेकिन शरण थोड़ा अलग हो जाता है, वो तो दया दृष्टि के रूप में आता है। यहाँ पे क्या होता है? सिंपली स्थान देना, ठीक है, एकोमोडेट। एकोमोडेशन होता है निवास स्थान, रहने का स्थान जो आपको प्रदान किया गया हो, ठीक है। सफर फ्रॉम समथिंग, सफर वर्ब के फॉर्म में होता है, फ्रॉम प्रीपोजिशन फिक्स है, ध्यान रखना इसे, सफरिंग फ्रॉम फीवर, आपने अक्सर एप्लीकेशन लिखा होगा तो वो सब याद रखिए, ठीक है। शेकी एडजेक्टिव होता है, शेकी माने होता है अनस्टेडी, अस्थाई, नॉट फर्म और सेफ, जो कि मतलब दृढ़ और निश्चित ना हो, सुरक्षित ना हो, अनसर्टेन, अनिश्चित हो, ठीक है। मैंने एक मीनिंग लिख दिया है, बाकी आप इतनी सारी मीनिंग सबका मतलब समझ सकते हैं। हैंडीकैप तो आपने विकलांग के रूप में बहुत पढ़ा, लेकिन ऑब्स्टेकल एक नया मीनिंग है, बाधा, ये भी इसका साइनोनिम होता है, कल को एग्जाम में आता है। आप देखते हो सुपर 25 की सीरीज में कैसे कैसे हम मीनिंग निकाल के बताते हैं कि किसका साइनोनिम ये बना, तो क्यों बना, रीजन क्या था, तो वैसा ही एक वर्ड है हैंडीकैप का, मीनिंग ऑब्स्टेकल होता है ना। आप ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर में जाके चेक भी कर सकते हो, मैं आपको सोर्स बताता हूँ, यहाँ पर जो मीनिंग मैं लिखता हूँ तो मेरी खुद की नहीं है, ये सारी मैंने ऐसे बिल्कुल टू द पॉइंट लिख रखी है ताकि आपको डिक्शनरी में खोजनी ना पड़े। हम अपने से कोई मीनिंग लिखते हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो ही जाएगा, मतलब हमारे लिए तो वो सही रहेगा लेकिन आपके समझने में थोड़ा सा वो हो जाता है, इसीलिए
अगर आप कहीं भी किसी भी सोर्स से मीनिंग पढ़ते हो तो आप बिल्कुल वेल प्रूव्ड सोर्स से पढ़िए, ठीक है, और उसी सोर्स से बार बार पढ़िए। तो यहाँ पर आपको जो मीनिंग मिलती हैं वो ऑक्सफर्ड एडवांस लर्नर की मिलनी है, किसी की भी आप देखते हो कि कोई ग्रामर बुक ले लेते हो या फिर कोई भी आप लेते हो तो उसमें हर एक में अलग अलग मीनिंग लिखी रहती है, कुछ थोड़ा सा घुमा घुमा करके। तो घुमा घुमा के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एक सोर्स पढ़िए एडवांस लर्नर। आप खुद चेक कर सकते हो तो खुद चेक करिए, अदरवाइज जो मीनिंग्स हम लिखते हैं ये एडवांस लर्नर की हैं, बिल्कुल सेम एक्सप्लेनेशन है, आपको अलग से करने की कुछ जरूरत नहीं है। मीनिंग्स के लिए अलग से के आप ऑक्सफर्ड एडवांस लर्नर को फॉलो करिए, ठीक है। तो सोर्स आपका बहुत ही प्रूव्ड होना चाहिए, मतलब बहुत ही ऐसा हो कम से कम कहने का जिस पे आप विश्वास कर सको। फर्जी के सोर्सेज से बचिए, ठीक है। परस्यू समथिंग का मतलब होता है टू डू समथिंग और ट्राई टू अचीव समथिंग, कोई चीज प्राप्त करना या उसके लिए प्रयास करना ओवर पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय में, ठीक है। मतलब कहने का परस्यू, जैसे ही इज परस्यूइंग बीए, वो बीए के लिए प्रयास कर रहा है, बीए पास होने की प्रयास कर रहा है, एक लंबे समय में वो बीए करेगा कंप्लीट, है ना। तो परस्यू बीए, परस्यू बीएससी, इस हिसाब से परस्यू वर्ड आता है। कंटेंट दैट, कंटेंट दैट टू से दैट समथिंग इज ट्रू, कोई बात सही है ये बात बताना, कंटेंट दैट यानी कि टू से दैट, टू मेंटेन दैट, मेंटेन के बाद भी दैट क्लॉज आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दैट देखना है कैसे क्लॉज आ रहा है, कभी पी क्यू आर एस में काम आ सकता है, एक्स वाई जेड में काम आ सकता है, कंटेंट से एक सेंटेंस खत्म है दूसरा दैट से शुरू है, आप दिमाग लगा सकते हो कंटेंट दैट होता है तो जोड़ सकते हो उसे, ठीक है। एंटिटी मतलब क्या होता है, समथिंग दैट एग्जिस्ट सेपरेटली, कोई ऐसी चीज जो कि अलग से एग्जिस्ट करती हो फ्रॉम अदर थिंग्स, अन्य चीज़ों से हटकर, दैट हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी, जिसकी अपनी खुद की छवि, जैसे प्राइवेट एंटिटी, प्राइवेट एंटिटी आया भी था तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, उनकी सरकार, हर लोगों से एक अपनी छवि होती है, हर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अपने का खुद का मालिक होता है और अपनी एक अलग छवि रखता है और अपने छवि के हिसाब से जाना जाता है, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज। सेट अप समथिंग, सेट अप समथिंग मैंने बताया था आपको स्थाई, वो मतलब स्थापित करने के सेंस में आता है, मैंने मीनिंग लिख दिया, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है, टू क्रिएट समथिंग और स्टार्ट समथिंग, ठीक है, कोई चीज़ का निर्माण करना और स्टार्ट करना, लेकिन यहाँ जो मीनिंग आया था स्थापित करने से आया था तो मैंने मीनिंग लिखा। एक्सप्लेनेशन इसीलिए मैं कहता हूँ आपको कि इंग्लिश एक्सप्लेनेशन पढ़ा करिए, हिंदी से मत कन्फ्यूज़ होइए, हिंदी में हर जगह सेंस बदलता रहता है लेकिन इंग्लिश एक्सप्लेनेशन हर जगह काम करता है और वो आपको फाइनली एक सही रिजल्ट की ओर लेकर के जाएगा। कंसिस्टेंट विथ समथिंग, इन एग्रीमेंट विथ समथिंग, किसी चीज़ के साथ तालमेल में होना, ऑन सच ग्राउंड्स, इस आधार पर, मतलब कहने का आई विल डू दैट ऑन सच ग्राउंड्स, मतलब मैं इस आधार पर यह काम करूँगा। तो ये मैंने जनरली लिखा है आपके बोलने चालने में ताकि आप यूज़ कर सकें इसको। ओवरकम, ये सारे ये एग्जाम में आया हुआ है, सेटअप भी एग्जाम में, एलोकेशन भी एग्जाम में आ चुका है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है, एक्सप्लोइटेशन भी आ चुका है आपका, एंटोनिम सिनोनिम्स में, रिफॉर्म, रिवैम्प, आउटकम सब आ चुके हैं। बस ये फर्क है कि कोई एमटीएस के एग्जाम में आया हुआ है, कोई आपका 10+2 के एग्जाम में आया हुआ है, कोई कभी कभी सीजीएल के एग्जाम में आ गया, मिक्सचर है, कोई सीपीएसआई के एग्जाम में आया होगा, लेकिन आए सभी हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं। ओवरकम मतलब होता है टू सक्सीड इन डीलिंग विद और कंट्रोलिंग ए प्रॉब्लम, किसी समस्या से निपटना और उसको निपटने में सफल हो जाना, तो ओवरकम कर लेना, काबू कर लेना, ठीक है। एलोकेशन होता है आवंटन, जैसे धन का आवंटन, जैसे कोई फंड वगैरह आता है तो उसके आवंटन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आता है, ठीक है, इसका मीनिंग डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है लगभग, लेकिन इसका प्रयोग अलग जगह पर होता है। सरकारी कामों में एलोकेशन होता है, जैसे कि आप अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, आपको डिपार्टमेंट दिया जाता है कि आप इस डिपार्टमेंट में कार्यरत होगे, सपोज करें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट में, तो आपको डिपार्टमेंट का एलोकेशन, वहां पे एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट वर्ड यूज होता है, ठीक है ना। एक्सप्लोइटेशन होता है, इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा, एक्सप्लोइटेशन माने होता है शोषण, ठीक है। रिफॉर्म, ये नाउन होता है, एक्सप्लोइटेशन भी नाउन है आपका, रिफॉर्म माने होता है सुधार, ठीक है। और रिवैम्प जब वर्ब होता है तो इसका मतलब सुधार करना होता है। आउटकम क्या होता है, रिजल्ट, आउटपुट टाइप का, द रिजल्ट और द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन और इवेंट, किसी घटना का परिणाम या फिर प्रभाव, वो आपका आउटकम कहलाता है। तो ये थे आज के वोकैब्स जो कि आई होप आपको पसंद आए होंगे और बहुत ईजी हैं, कोई नई नहीं है, लेकिन ये है कि आप बराबर इनको अलग अलग परिपेक्ष में देखते हो कैसे किसका, जैसे हैंडीकैप का मीनिंग ऑब्स्टेकल होता है, आपने शायद ही देख पता रहा होगा कि हैंडीकैप का मीनिंग एक ऑब्स्टेकल भी होता है, लेकिन अगर अब आपको मिलता है आप निश्चित रूप से हैंडीकैप का एक मीनिंग ऑब्स्टेकल लगा सकते हो। तो यही चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरह वीडियो में, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपके लिए कुछ नया लेकर के आएंगे, और अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।